हाँ माता जी घायल है यार आग गज लोन में चढ़ ले आओ ये ऐसा भी तो है ये तुमने क्रिकेट में जाए तो कबड्डी में देखी चिची यार अब क्रिकेट हो नहीं रहा है यार चिची शिकान शेरी आज एक जादू दिखा दे दिखा चल क्या इसमें दिखा चल दिखा तो दे लोग को पता चल देने आहा टमाटर बड़े मजेदार क्यों डाला अभी सर में जो मुझे बहुत ठंडा है बट टमाटर बाहर में डालो ब्रो कैसा चल रहा बिजनेस बेकार क्यों व्यापार बहुत डाउन यार जितने भी व्यापारी है कमेंट सेक्शन में बताओ व्यापार की स्थिति कैसी है अब मैं मणि यूट्यूबर मणि व्यापारी मणि हूँ चल जा मेरे को हमने जो विशुद्ध रूप से व्यापारी आप लोग बताओ कि व्यापार में कैसा मॉर्निंग दोस्तों नए दिन की नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं व्लॉग के साथ पहाड़ में खिल चुके शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद धूप माता जी लोग गए हैं सूखी घास लाने यानी कि गाजर लाने मतलब कि गाजर लोन जा रहे हैं और खेड़ी करिए खेड़ी मतलब कि एक तरीके से सामूहिक काम जिसमें एक दूसरे की हेल्प की जाती है और ये हेल्प उस वक्त लौटा दी जाती है जब उनको जरूरत होगी वैसे कि आज जैसे ये हमारी हेल्प करने आए तो जब इन लोग का काम होगा तो मम्मी को इनकी हेल्प करने जाना पड़ेगा जिसको पहाड़ों बोलते हैं खेड़ी लेकिन ये बड़े स्तर में नहीं आया छोटे स्तर में ही है 4-5 लोग गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा था नहीं और सबसे बड़ी बात जो ये गाजियों लेने गए ना मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से वहाँ से ऊपर होता है दिनतड़ उस सामने जो जंगल दिख रहा ना जस्ट सामने इतनी चढ़ाई में गए तो आज लेके आए तो मुझे चाय बनाने की जिम्मेदारी मिली है माता जी पूड़ी और आलू बना के गए घर से पहले से तो चाय वगैरह मैंने बना ली है यार अभी अभी घर पहुँचे ही थे तो माता जी का हो गया पाँव स्लिप पाँव में पहले से दर्द हो रही थी तो चाय पानी बनाते हैं यार अब हमारे ऊपर ज़्यादा आफत आल माता जी का घायल होना या बीमार होना मतलब हेमजीना भी तो आफत मेरी फिर ले कम हो पापा जी का आफत आ जाए मैं तो कर भी लेता हूँ थोड़ा बहुत घर वाले होने से बड़े काम करना पड़ा मैं तब तो दोस्तों प्योर पहाड़ी लाइफ देखो अभी गाजू लेके आए इनकी सूखी घास अब यहाँ लग रहे हो ना खाप तो सीजन के पहले माल्ट है देखो मैं ही उपलब्ध करा रहा हूँ आपको ये मंगाए गए एक बार साथ में गाना दोनों चलो चाची चलो चीची शिकान छी हरी आलू के गुटके हैं पूड़ी है चाय है माल्टा लाई गया हूँ 20 फूल ला रहे हैं 20 अच्छा
तो यार दोस्तों इसको बोलते हैं पहाड़ी पिकनिक। पका बक खन में लाग रहा है मार था क्या लाचा है पू उटुंटुल उटुंटुल खाब खोल लगी क्या लाचा बोल कैसा लग रहा है चढ़ के कदू लगी हल्का ज्यादा नहीं हल्का बिल्कुल। तो यार दोस्तों गांव की खेड़ी जिसमें चार पांच लोग थे कम छोटे स्तर में की थी हमने, तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये दिखाओ तो आलू के गुटके हैं, पूड़ी है, हल्ली भी। कुछ भी तो देर से बात करने की मेरे वटे यार हाथ में किताब लेके बन्नी की खोज में छुपे छुपे खड़ा बनना कॉलेज की रोड में, कॉलेज की रोड में बनना जी ने ब्याहर ताया चाची मंगल गावे ढोल बाजे मदीरा बाजे अर बाजे सहनाई सहनाई बाजे रे। दोस्तों यार मौत का खेल चलता है अभी थल में ब्याल जरूर मेरे ब्याह लेने आ रही हो चल बगड़ से यार मत कर तो यार कृपया थल के सम्रांत लोग पदाधिकारी लोग जन नेता सभी लोग इस ओर ध्यान दें यार। ये देखो बोल्डर आएगा भी ठुलवाल जब इतना रिस्की हो रहा है। चलो ये तो फिर भी ठीक है वहाँ पीछे बड़ा गंदा हो रहा है इसको कृपया गाइस मिट्टी तो हटा दो। तो यार दोस्तों थल क्षेत्र में नई दुकान खुल चुकी है मौनी तिराहा दाजी की पहले से दुकान है रोतेला जी की गारमेंट्स की देन इसके बाद सब्जी की दुकान तो हार्दिक बताइए आपको और बॉनी कर दी भाई ने जिम जा रहा है। ये देखो थल की बाजार थल का पुल और यहाँ पे रौतेला जी की दुकान ये देखिए तो आइए और ढेर सारा मतलब सामान ले जाएं। तो यार दोस्तों आज हम आ चुके हैं पार खड़ी बाजार। काफी पुरानी बाजार थी थल की, जो मूल बाजार थी पहले यही केंद्रित थी, धीरे धीरे विस्तारीकरण हुआ तो पार वार है यू। तो यहाँ के मशहूर व्यापारी श्रीमान डांसिंग बिश जी के नाती जो कि फुटबॉलर भी हैं प्रथम बिश भाई। देखो कैसा चल रहा है बिजनेस? बहुत बेकार। क्यों? इस बार की दीपावली ना ये मेरे को भी महसूस हुआ है। मेरे को रहा है, ये सबको महसूस हो गया इस बार का व्यापार बहुत डाउन। यार जितने भी व्यापारी है कमेंट सेक्शन में बताओ व्यापार की स्थिति कैसी है। अब हमें मणि यूट्यूबर मणि व्यापारी मणि हूँ चल जा मेरे को हमने जो विशुद्ध रूप से व्यापारी आप लोग बताओ कि व्यापार में कैसा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मार्केट की स्थिति जब भीड़ भड़ाका है चाहिए नहीं यूशो यार क्यों आप खाली तमको लाइस कमरों की उबेर जात भीड़ हूँ उबेर घाट होना जो बैरू हाँ तो उस वक्त ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो यूथ व्यापारी यार क्योंकि यूथ से जानना पड़ेगा क्योंकि देखो बड़े पौधे तो हैं बड़े पेड़ उनके छाँव में इसको सिखा रहे हैं अभी। श्री कालू चंद जी सपरिवार भगवान बला गए। तो यार मैं तो आया हूँ बैंक और बूबू यहाँ पे बूबू व्यापार में क्या क्या स्थिति है इस बीच कस्टमर कम क्यों दिख रहे हैं? ऐसा है एक तो प्लानिंग जगह हो गई है। अच्छा लोग प्लान बिल्कुल बाहर चले गए चले गए अब यहाँ जो है 10-5% जो रहे हैं आ, वो काम में सब जुटे हुए हैं वो गजू ये जो बांस बिल्कुल यहाँ से लोग बाजार में कम होना ठीक ठीक अब यो धनतेरा दिन थोड़ा हाल क्या बात है बेचवी आती ठीक 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 अब जो भाव थला मिल रहा है वो आपके बल्ती में मिल रहा है वो मिल जाएगा तो वहीं से लेना चाहेंगे मिल रहा है बिल्कुल बिल्कुल इसलिए भी व्यापार में कुछ मंदी है बिल्कुल बिल्कुल जगह वही है पुरानी जगह हो गया है सब। ये इस क्षेत्र की सबसे पुरानी दुकान देखिए सही ना जी रावण का किरदार निभाते थे और देखो कथ काठी बारह साल सबसे पहले मैंने राम का अभिनय किया 1959 में। अच्छा उसके बाद मैंने अंगद का पार्ट खेला 1962 में 1966 से मैंने रावण का खेला 1978 तक मतलब जब तो ना खेल नहीं लगे बढ़िया राक्षसन में पूजा क्या करें सबने आग्रह किया मुझे की लेकिन मैंने जो सुना आपके मैंने देख तो हम तो छोटे थे जो आपका अभिनय था वो बड़ा दमदार बताते हैं क्योंकि मैं तो राक्षस मोड़ो ना मैं राक्षस में आफत आ जाते हमारे राजा हुए उस समय के ये करम राम जी आप हमारी वीडियोस देखते हैं रेगुलर देख रहे होंगे वो तो आपकी यादें ताजा हो जाएंगी। तो आप वर्तमान में सचिवालय देहरादून पे कार्यरत हैं तो जटाई का किरदार खेलते थे आपके जटाई का भी खेला उन्होंने और वो भी बने थे हिरन भी बने थे। अच्छा मेरा ठीक है ठीक है मेरा आप थैंक यू मेरा आप लोग से अनुरोध है यार आपके जो भी बच्चे होंगे ना तो उनको रामलीला में मंचन करना सिखाएं ये ना सोचे कि ऐसे करके क्या होगा बच्चे की प्रतिभा आगे बढ़ती है वो वाला चीज नहीं है ये नया अप्रोच है आप खुद देख लो दो दाने चेक कर लो आप लोग तो एक दाना और मिल जाएगा ना मैं फ्री में खाने का एक इसका चोरूंगा एक फ्री में यहाँ मिलेगा एक वहां से
दारे थोड़े चेंज कर दो काले काले हो। अरे काला ही दाना तोड़ लो शायद ले भैया। पहली बार देखो तेरी आंखों ममीले जानता दिल हराई बातू ममीले जानता दिल हराई बातू ममीले धीरे धीरे चुनो तेरो पराना धीरे धीरे चुनो तेरो पराना तो दोस्तों अभी थलकी बाजार में अभी हमें शिवालय मंदिर के सामने यहाँ पे हमारी नजर पड़ी महिलाओं के द्वारा स्वाध्याय के तौर पे यहाँ पे एक पंडाल लगाया गया है जिसपे आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन सजावट की चीजें आपको दिख रही हैं। महिला उद्यमी जो शुभम ब्यूटी वाला करके अपना एक उद्यम चलाते हैं तो अभी इनसे जानेंगे कि ये किस चीज का पंडाल है, कौन सी संस्था और क्या क्या करते हैं आप लोग। RBI RCC के माध्यम से पिथौरागढ़ से दिया गया था। बढ़िया। अभी महिलाओं ने एक डेढ़ महीने पहले ही ये चीजें सीखी हुई हैं। अच्छा अच्छा। ये सिर्फ मेरी पहल नहीं है, सारी महिलाओं की मेहनत है ये। अच्छा। लेकिन आगे अगर हम लोगों को इसमें थोड़ा सा भी यहाँ से सहयोग मिला बिल्कुल बिल्कुल लोगों से अगर खरीदार कुछ अच्छे हमें मिल जाते हैं। अच्छा। तो हम आगे से फिर गोबर उसके दिए हैं मोमबत्ती है। तो सामने पोस्ट ऑफिस है और SBI का ATM बालेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पे आपको स्टॉल दिख जाएगा तो आप यहाँ पे आके खरीदारी कर सके ताकि इनके मनोबल को भी बढ़ावा मिले। ठीक। गाड़ी पे एक माने क्यूट से सब्सक्राइबर बैठे मेरे आते मतलब ने जो हेलो बोला ना अच्छा लग रहा है प्यारे चारों ने नो का जम जावे मोहन हाय दोस्तों भाभी पर उखड़ उठ गई हो शादी के बाद ऐसी जिम्मेदारी आती है देखो ये चश्मा लगाइए ना क्या बात है थाली तो गए ये हां माताजी घायल है यार। अरे भाभी से ले जा दिला आइए तो हमारी माता जी का वेट है 63, उनका है 43, उनका है वो माता जी का कदू 38 ने तो मम्मी बल की तो शरीर में दीदी बल मैं बह रही तो माता जी को ले गया चोट और हमारे किस्मत था डॉक्टर साहब गए हैं काम वो डॉक्टर ने हैवी काम करने को मना किया था बहुत ही हैवी कर दिया सुपरमैन है नहीं घर वाली नर्सिंग वाली लोन पड़ गया डॉक्टर ऐसे नहीं हो पाएगा मैं कैसे चाहिए डॉक्टर तो सही बात। और हमारे घर वाले गुस्सा कैसे होते सोई है उठी है क्या कर रही है मैं मुंह दम का है मेल को क्या कर रही है बैठी हूँ क्या करूंगी फिर मैं आगे अंदाज गुस्सा है पी नहीं हो रहा होगा फिर अभी रंगत आज एक जादू दिखा दे दिखा चल क्या दिखा दे चल, दिखा तो दे लोग को पता चल देने आहा टमाटर बड़े मजेदार क्यों डाला अभी सर में जो मुझे बहुत ठंडा है टमाटर बाहर में डालो टमाटर गरम कर रहा है टमाटर गरम कर रहा होगा गैस कम लागल ना साग में जल्दी अरे अरे हाँ बायो गैस होगी ना गरम कर दे सर से आज इसके बायो गैस। तो यार दोस्तों मोहनी महोत्सव के लिए मीटिंग होती है यहाँ पे देखो दुनी बह रहा आज फिर मीटिंग ऊपर ताज चाहो भाई बड़ो जन जाल इन बुढ़ियन को
विधाता ने क्या लिखे बोलो विष्णु माया तुमसे ला तुम विष्णु माया तुमसे ला क्या लगाया लसका कमर दोस्तों जब भी हम लोग कहीं टीम ले जाते हैं कोई महोत्सव होता है अगर बलतीर की टीम आपको दिखती है तो उसके पीछे डेढ़ दो ढाई महीने की मेहनत होती है। तो आप डे वन है, डे वन में चार जने दिखे रहे, वे बाप पांच दिखी भी दस दिखी, महोत्सव के दिन कंप्लीट गांव दिखेगा आपको यूनिटी में। तो कहीं भी अगर हम किसी चीज की तैयारी करते बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो क्या कहना चाहूंगा, इनाम दीजिए आप। हम कहना यही चाह रहे थे, समझ गए आप। चलो यार मॉर्निंग मोर्चा इस बार रिकॉर्ड तोड़ बलतीर गांव को इनाम हो जाए यार।